प्रदेश भर के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद एक बार फिर रौनक लौट आई है। इसके साथ ही करीब एक महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलों में ऑफलाइन माध्यम से कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ है। स्कूलों में पहले दिन रौनक देखने को मिली। हालांकि पिछले दिन सभी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का आंकड़ा कम रहा है। वहीं पहले दिन स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइजर करने के बाद छात्रों को प्रवेश मिला। साथ ही गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्र छात्राओं के लिए स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मध्याह्न भोजन का हमारा क्या है कि जो स्टार्च है और जो प्रोटीन है वो दोनों हमें मेंटेन रखना है। वो हमने एक सर्कुलेट किया हुआ है सबको। इसके अलावा हफ्ते में 200 ml हम फोर्टिफाइड मिल्क भी दे रहे हैं आंचल से, उसको हमने पाउडर फार्म में दिया हुआ है। तो बच्चों को सेहत को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा पर पूरा फोकस किया जा रहा है।